बैंक में सैलरी अकाउंट खुला नहीं कि बैंक्स तुरंत ही एलटीएफ कार्ड्स चिपकाना शुरू कर देते हैं। बैंक्स जानबूझ के एलटीएफ कार्ड्स बेचते हैं क्योंकि उनका बेनिफिट उसमें ही ज्यादा है। पर ये कैसे? बैंक स्मार्ट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की सोचता है रादर देन अ स्मॉल शॉर्ट टर्म लॉस। अब लोग इन कार्ड्स को सालों साल यूज करते रहते हैं बट इनका रिटर्न इनके स्पेंस पे मुश्किल से 1 से 1.5% से भी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ना ही कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू अच्छी होती है और ना ही कोई डिस्काउंट बेस्ड ऑफर्स अच्छे होते हैं। वहीं जो अच्छे कार्ड्स हैं उनपे रिटर्न 7 to 8% से 15 to 20% तक चला जाता है। अब इसको HDFC मनी बैक के एग्जांपल से समझते हैं। इस कार्ड पर 150 रुपए पर 2 points और ऑनलाइन स्पेंड पर 4 points मिलते हैं। क्वार्टरली 50,000 रुपए के खर्च पर 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर, यानी साल के 2,000 रुपए। तो अगर कोई इस कार्ड पर 3 लाख रुपए का ऑनलाइन स्पेंड और 2 लाख रुपए का ऑफलाइन स्पेंड करता है तो उसको टोटल मिलेंगे 12,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिनकी वैल्यू है 3,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर। तो यानी 5 लाख के स्पेंड पे 5,000 रुपए का बेनिफिट, तो रिटर्न हुआ सिर्फ 1% का। अब बैंक्स ऐसे कस्टमर से इंटरेस्ट की कमाई या EMI छोड़ो MDR लेवल पे ही काफी कमा लेगा।